अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस जामनेर शहर शाखेच्या वतीने जामनेर नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी राहुल पाटील यांना निवेदन देण्यात आले। जामनेर शहरातील गांधी चौक ते जुना बोदवड रोड या रस्त्याचे काम सुरू असून या रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यात येत आहे, परंतु या रस्त्याचे डांबरीकरण न करता काँक्रीटीकरण करावे अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे। मेरी मैंने ये मांग की मुख्य अधिकारी जामनेर नगर परिषद साहब की तरफ कि बिस्मिल्ला नगर से गांधी चौक चुनाव बोध रोड की हमने मांग की कि हमें ये कॉन्क्रीटीकरण होना चाहिए। इससे पहले एक साइड का डांबरीकरण किया गया, वो डांबरीकरण के अंदर गाड़ी जब चलती है तो नीचे से गिरती और वो रूम बाहर आता है और दूसरे साइड में बड़ी बुहारी गटार जो सेंटर में की उन्होंने वो कर उसके अंदर बड़े बड़े 15 फुट 20 फुट ऐसे बड़े बड़े घंटे खोद के उन्होंने कनेक्शन ज्वाइन किए। तो कनेक्शन के अंदर जब गाड़ी 10 टन 12 टन की जब गाड़ी अंदर जब चलती है उसके ऊपर तो वो गाड़ी सीधी उसके अंदर पूरी की पूरी बैठ जाती और बैठने के बाद वो गाड़ी को बाहर इतनी मशागत के बाहर निकालने के बाद वो गाड़ी का बहुत कुछ नुकसान होता। तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, नगर परिषद या फिर मुख्य अधिकारी साहब? मेरी ये मुख्य अधिकारी साहब से ये बात हुई तो उन्होंने बताया कि तुम एक चिंता मत करो, हमने भी वो सोचे कि हम तुम्हारे को कांक्रीटीकरण कैंसिल करके उनको हम कांक्रीटीकरण बना के देंगे। मेरा नाम राउत शेख, शहर उपाध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जामनेर। आज तारीख 12/5/2021 नगर परिषद मुख्य अधिकारी साहब को हमने शहर कांग्रेस की तरफ से एक निवेदन दिया है। उस निवेदन में हमने मांग की है कि गांधी चौक से लेकर लूना बोदवड़ रोड तक जो एक साइड के रास्ते का काम बाकी है वो रोड का काम डांबरीकरण ना करते हुए कांक्रीटीकरण किया जाए, क्योंकि डांबरीकरण का जो रोड बनता है उसमें बारिश के मौसम में जगह जगह गड्ढे पड़ जाते हैं। और हाल ही में भी नगर परिषद की तरफ से गांधी चौक में जो रोड बना है वो कांक्रीटीकरण का रोड बना है, लेकिन जहाँ पर मुस्लिम मोहल्ले की हद ख़त्म हो जा रही है और जहाँ से मुस्लिम मोहल्ले का रोड शुरू हो रहा है वहाँ नगर परिषद डांबरीकरण का रोड बना रही है। ये नगर परिषद की तरफ से अल्पसंख्यक समाज पे अन्याय हो रहा है और भेदभाव हो रहा है। अभी हाल ही में महावीर मार्ग में जो रोड बना वो कांक्रीटीकरण का रोड बना, जबकि महावीर मार्ग का जो रास्ता है वो मेन रोड नहीं है, लेकिन गांधी चौक से लेकर जूना बोदवड़ रोड ये बहुत ही जूना रोड है और ये मेन रास्ता है। और हमारी नगर परिषद प्रशासन से मांग है कि ये कांक्रीटीकरण का रोड बनाया जाए, और अगर नगर परिषद ने वो रोड डांबरीकरण का बनाया तो जामनेर शहर कांग्रेस की तरफ से हमारा विरोध है और हम किसी भी हालत में वो रोड को डांबरीकरण नहीं बनने देंगे, चाहे इसके लिए हमें आंदोलन ही क्यों ना करना पड़े। हम आंदोलन करने की भी तैयार है, ओपोजिशन करेंगे और आंदोलन करेंगे, इसलिए हमारी नगर परिषद से मांग है कि वो रोड कोई भी हालत में कॉपरेटीकरण बने। जी, जामनेर शहर कांग्रेस कमिटी अल्प संजय भट कुर्बान शाह शहर उपाध्यक्ष या पदाचे शुभन बोलते हैं। आमचे साहबांकडे साहबांकडे एवढी विनंती आहे की जे गांधी चौक ते जुना बोदवड रोड म्हणजे बिस्मिल्ला नगरपर्यंत जो रोड तयार करण्याचा निर्णय साहेबांनी घेतलेला आहे डांबरीकरणचा, त्याला आमचा विरोध आहे। आम्हाला डांबरीकरण ऐवजी काँक्रीटीकरणचं रोड बनवून मिळावं ही एवढी विनंती आमच्या साहेबांकडे सर्व कार्यकर्त्यांची आहे। आणि पुढे 4 महिने पावसाळा दिवस येत आहे, त्या डांबरीकरणच्या रोडवरती खड्डे पडू शकतात, लोडिंग गाडी जर चालली तर गटारी होऊ शकते, तर याचा तुम्ही विचार करून डांबरीकरणाऐवजी आम्हाला काँक्रीटीकरणचं रोड बनवून मिळावा एवढी आमचे साहेबांकडे विनंती आहे। आणि त्यांनी आमचे जेवढे सर्व कार्यकर्ते आहे या डांबरीकरण जसा आमचा सर्व कार्यकर्त्यांचा विरोध आहे, तर आम्हाला डांबरीकरणाऐवजी काँक्रीटीकरणचा रोड बनवून मिळावा एवढीच विनंती आमची साहेब। पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।